आज की रेसिपी बहुत ही खास है क्योंकि ये रेसिपी आपने कहीं देखी नहीं होगी। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं विद अ लवली मॉम विंकी गिरिया के संग, और आज की रेसिपी है विंकी तुरई के छिलके की चटनी। तुरई के छिलके की चटनी, इट्स अ वेरी इनोवेटिव रेसिपी क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना, बट ये रेसिपी उनकी मॉम की है, राइट विंकी? हाँ। उनकी बुक से उन्होंने ली है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो हमारे संग ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं। सो विम की स्टार्ट करें रेसिपी जी, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। इसमें अपन गैस में पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून, और इसमें अपन थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल का तड़का करेंगे। ओके, सो तुरई की जब हम सब्जी बचाएं और जो छिलके हम फेंक देते हैं उनको हमें बचा के रखना है, राइट? उनको बचा के रखना है। जो एकदम मोटे वाले वेन्स जो होते हैं ना, हाँ, उनको तो अपन डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि वो बहुत बिटर होती हैं। ओके, और ये जो है रिमेनिंग छिलके हैं, ओके, इनको अच्छे से वॉश कर लीजिए क्योंकि आजकल अपने को कभी मालूम नहीं रहता है वेजिटेबल्स कौन से केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, डर रहता ही है। तो अच्छे से धो करके इनको रख दीजिए ऐसे। ओके, और वो हार्ड नहीं होने चाहिए, और इनको अपने चटनी में यूज कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, इसका टेस्ट ही पता नहीं चलता है कि तुरई की चटनी बनाए हैं अपन, तुरई की छिलके की चटनी। बच्चों को खासकर एक मेंटल ब्लॉक रहता है कि तुरई की सब्जी, लौकी की सब्जी नहीं खानी, बट इनके पील्स को यूज करके अगर चटनी बनाए, टेस्टी अगर बने तो एटलीस्ट इसका जो न्यूट्रिएंट और फाइबर है वो सारा यूटिलाइज हो जाता है। ओके, तो ये तेल थोड़ा गर्म हो गया है, इसमें अपने डालेंगे राई, जीरा और थोड़ी सी हींग। इनफैक्ट विमकी के घर में तो बच्चों को इतना पसंद है कि वो कोरी खा लेते हैं, राइट? उनको पता ही नहीं चलता। मेरे बेटे को तो कोरी भाती है, उसको मैंने बोला भी नहीं था कि ये तुरई की छिलके की चटनी है, सीधा प्लेट में डाला मैंने और उसने तो कोरा ही खा लिया। तो दैट इन इटसेल्फ ये बेंचमार्क है कि पता भी नहीं चलेगा और कितनी टेस्टी बनी होगी कि बच्चे भी खा लेते हैं इसको। जैसे सीड्स क्रैकल हो जाएं, इसमें मैं थोड़ी मूंगफली डालूंगी। तो ये रोस्टेड है या ये रोस्टेड है? रोस्टेड मूंगफली। ओके, मूंगफली और फिर थोड़ी सी हरी मिर्च। और इसमें हमें मूंगफली के छिलके उतारने हैं विंकी? हाँ, छिलके उतारने हैं। ओके, और फिर इनको थोड़ा सौते करना है ऐसे। जैसे ही थोड़ा ब्राउन होने लग जाए ये छिलके सारे इसमें डाल दीजिए। और तुरई के छिलकों को हम ये जो सेक रहे हैं इसका कोई रीजन है कि हम इसको क्यों यहाँ पे सौते कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं छिलके, तो इनको सॉफ्ट करने के लिए अपने करते हैं। इसमें थोड़ा नमक डालेंगे ताकि ये जल्दी से हो जाए, जल्दी से पक जाए, और फिर इनको एक बार मिला देते हैं। इसमें अपने थोड़ा अदरक भी डालेंगे ऐसे। ये क्या फ्लेवर एनहांस करेगा। ओके, एंड इसको हम फास्ट गैस पे ही करेंगे सब कुछ? फास्ट गैस पे करेंगे और 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे। ओके, बीच में चेक करेंगे ताकि वो चिपके नहीं। ओके, देखिए जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियोस लेके आते हैं, कोई रीटेक नहीं, कोई रीशूट नहीं, जैसा है गारंटी आपकी किचन में भी वैसी ही रेसिपी बनेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आंटी को ये आइडिया कैसे आया? मतलब आंटी ने, इट्स अमेजिंग राइट? मैंने कभी भी नहीं सोचा था। हाँ, मेरी मम्मी को भी आइडिया आया उनके पीहर से, उनकी भाभी से। ओ अच्छा, ओके। एंड पहले के जमाने में तो वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता था, राइट? यस, वेस्टेज कभी होता नहीं था। तो जो मेरी मामी जी हैं वो इनको यूज करके इनको बनाती थी, और ये चावल के साथ भी खाते हैं, रोटी के साथ भी खाते हैं, अच्छा, कबाब के साथ खाते हैं, ओके, टिक्की, समोसे, कुछ भी। बस एक वैरायटी हो गई चटनी की, तो हमेशा टेस्ट लगता है। बस 2 मिनट और, जैसे ही सॉफ्ट हो जाए, देखिए ऑलरेडी सॉफ्टनेस आ रही है थोड़ी, देखिए थोड़ी सॉफ्टनेस आ रही है। थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए फिर अपन इसको ठंडा करके फिर मिक्सी में पीसेंगे। ओके, तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं हमें सेकते हुए। देखिए ये छिलके भी सॉफ्ट हो गए, कितने इजीली कट रहे हैं चम्मच से। अच्छा, इसका मतलब ये सॉफ्ट हो गए। अब अपन गैस बंद करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ओके, जब ठंडा हो जाए फिर मिक्सी में पीसेंगे। तो देखिए अब हमारा ठंडा हो चुका है जो हमने मिक्सचर बनाया है। अब इसे अपन मिक्सी में डालेंगे, और इसमें और थोड़ा फ्लेवर अच्छा करने के लिए इमली की चटनी डालेंगे, जस्ट नॉर्मल इमली का पेस्ट। अच्छा, अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके इमली डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो उसे खट्टी मीठी होगी? खट्टी मीठी नहीं, ये रेगुलर इमली का पेस्ट है। अच्छा तो ये कैसे बनाया? बस उसको गर्म पानी में डाल लिया, कर दिया, हाँ, फिर मिक्सी में पीस दिया और छान दिया। अच्छा ओके, बस इतनी से पहले डालेंगे और हल्का सा पानी, फिर पीसते वक्त अपने देख लेंगे और पानी की जरूरत है तो और डालेंगे। इसमें अपने थोड़ा और पानी डालेंगे और थोड़ा और इमली। एंड लिक्विड की कंसिस्टेंसी तो वी कैन कीप इट बेस्ड ऑन आवर जैसे ओन कन्वीनियंस, आपको आप वैसे कर सकते हो। तो ये जितना पील मैंने दिखाया था, ये एक तुरई का पील था। ओके तो उसकी क्वांटिटी स्मॉल बोल जितनी बनती है आपको। ये धीरे धीरे कंसिस्टेंसी पे आ रही है। थोड़ा सा और इसको करेंगे ताकि इसके छोटे छोटे ग्रेन्स बचे हैं वो अच्छे से पिस जाए। तो देखिए तुरई के छिलकों की चटनी हमारी बन चुकी है। जैसा कि बताया ये कितनी अच्छी रेसिपी है, इससे सारे न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे और बच्चों को भी पता नहीं चलता कि तुरई के छिलके की आप रोटी, चावल, कबाब के संग, किसी के संग भी खाइए। बेसिकली वेस्टेज आपका ज़ीरो हो जाएगा और पूरा वेजिटेबल का न्यूट्रिएंट आपके परिवार में जाएगा। सो जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। गारंटी तुरई की चटनी इतनी अच्छी आपकी रेसिपी में भी बनेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा। एंड अ बिग थैंक्स टू विंकी फॉर शोइंग अस दिस अमेजिंग तुरई के छिलकों की चटनी की रेसिपी एंड टू हर मॉम ऑल्सो फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल रेसिपी। इसको खाइए, बनाइए और एंजॉय करिए। मिलेंगे दोबारा जायका का तड़का पे। बाय बाय एवरीवन।